नीतीश जी को मुख्यमंत्री किस लिए बनाया था हमने, सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी, ये भी बावजूद कि उन्होंने हमको 2017 में धोखा दिया, इसलिए भाजपा को भगाने के लिए। वही तेजस्वी है जिसने इंडिया अलायंस बनाने के लिए पूरे देश में दौरा किया, नीतीश कुमार जी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि साल 2017 में सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद सिर्फ और सिर्फ भाजपा को भगाने के लिए हमने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का साथ दिया था और उन्हें सीएम बनाया था। जी हां, उन्होंने कहा कि भाजपा सबसे ज़्यादा बिहार में राजद से डरती है, देश में इंडिया और एनडीए के बीच लड़ाई है, इंडिया गठबंधन संविधान बचाना चाहता है और एनडीए संविधान खत्म करना चाहता है। तेजस्वी यादव लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार खत्म होने के कुछ घंटे पहले पूर्णिया में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर केंद्रीय जाँच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि मैं 70 घंटे ईडी दफ्तर में बैठा, उतना ही घंटा सीबीआई दफ्तर में बैठाया गया, पिता लालू प्रसाद यादव को जेल भेज दिया गया, मेरे हर भाई बहन पर मुकदमा कर दिया गया, हर 2-3 महीने में एक बार रेड होता है, अभी चुनाव के समय भी पार्टी के कई नेताओं के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। जी हाँ, इस दौरान तेजस्वी यादव सीबीआई और ईडी पर भी निशाना साधा है और भाजपा पर भी, और कह दिया है कि ये लोग सिर्फ सीबीआई और ईडी का गलत इस्तेमाल करते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव, वो जरा सुने आप लोग। 70 घंटे लगभग उतना ही सीबीआई बैठ के आए, मेरे पिता को जेल भेजा गया, मेरे हर भाई बहन सब पे मुकदमा है, रेड के छोड़ो हर 2-3 महीने पर रेड पड़ते हैं, अभी भी हमारे नेताओं पे लगातार चुनाव के दौरान भी रेड पड़े जा रहे हैं, बिहार में अकेले हम लोग लड़ रहे हैं। हम वही तेजस्वी हैं जिसने इंडिया अलायंस बनाने के लिए पूरे देश में दौरा किया नीतीश कुमार जी के साथ। क्या बात करें, किसने किया था, नीतीश जी को मुख्यमंत्री किस लिए बनाया था हमने, सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी, ये भी बावजूद कि उन्होंने हमको 2017 में धोखा दिया, इसलिए भाजपा को भगाने के लिए। भाजपा सबसे ज्यादा डरती है बिहार में तो राष्ट्रीय जनता दल से करती है, ये माइंड में क्लियर हो। और 17 ये आपका जो 2 धाराओं के बीच चुनाव पूरे देश में, 2 अलायंस इंडिया एनडीए, इंडिया संविधान बचाना चाहता है, एनडीए खत्म करना चाहता है, और जो इंडिया के साथ नहीं है चाहे कोई दल हो या कोई व्यक्ति विशेष, वो संविधान के खिलाफ खड़ा है। ये वक्त किसी एक की बात, दो की बात, किसी दल की बात नहीं, ये सबसे ऊपर की बात है। पप्पू यादव को किस रूप में बचाने का ये चुनाव, तो बीजेपी से जो हम लोग लड़ते हैं, हवा हम लोग टाइट किए हुए हैं, तो ये कंफ्यूजन किसी को हो ना हो इससे मतलब नहीं, हमारी जनता मालिक है, वो जानती है लालू जी और तेजस्वी ने बीजेपी को हराने के लिए क्या क्या किया और क्या क्या त्याग किया। तो आपने सुना तेजस्वी यादव ने क्या कहा है, साफ तौर पर कहा है कि सीबीआई ईडी का गलत इस्तेमाल करते हैं, हर 2-3 महीने पर हमारे घर पर रेड होता है, मेरे हर भाई बहन पर केस है और मुझे भी बार बार परेशान किया जाता है, साथ ही मुख्यमंत्री पर भी निशाना साध दिया और कहा है कि 2017 में सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद हमने उनका साथ दिया और उन्हें सीएम बनाया सिर्फ और सिर्फ भाजपा को भगाने के लिए। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर।